डी आर आई सी एस ई एन आई एस स्टूडेंट 2nd December 2021 को होने वाले हिस्ट्री सिविक्स आईसीएसई क्लास 10th के एग्जामिनेशन के द बेस्ट एवर एमसीक्यू प्रिपरेशन को लेकर मैं आपको 8 टेबल से रूबरू यानी कि इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं, जिसके कंप्लीट एनालिसिस यानी कि विश्लेषण का मतलब हुआ कि आपके कम से कम 5 से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन परफेक्ट हो गए। तो सबसे पहला जो टेबल है यूनियन लेजिस्लेचर सिविक्स है, यह भारतीय पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल लोअर हाउस और राज्यसभा को हाउस ऑफ द काउंसिल या काउंसिल ऑफ द स्टेट या अपर हाउस कहते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं यहां पर आइटम में बताया गया है कि मेंबरशिप क्वालिफिकेशन एक्सक्लूसिव पावर कंपैरिजन टर्म्स ऑफ ऑफिस कितने साल तक रहता है, जैसे कि लोकसभा 5 इयर्स के लिए, राज्यसभा 6 इयर के लिए। यहाँ पर जब लोकसभा में आप इलेक्ट होना चाहते हैं मिनिमम एज 25 इयर्स, राज्यसभा में मिनिमम एज 30 इयर्स है। तो इस तरह से प्रिजाइडिंग अफसर लोकसभा के स्पीकर यानी चेयरमैन होते हैं, उसी तरह से राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इस बात को जानने के बाद आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, भारत के इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, लोकसभा एंड राज्यसभा जिसको द हाउस कहते हैं, उसके सेशन, कोरम, आवर, जैसे कि क्वेश्चन आवर, जीरो आवर के बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजॉर्नमेंट और प्रोपेगेशन ऑफ द हाउस, इन टर्म को देख लेंगे बुक से। यहां पर सिर्फ इन टर्म को हाईलाइट किया गया है। स्पीकर यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, इसको चेयरमैन भी कहते हैं, इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, जब न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं चुन के एक व्यक्ति जो कि उनमें से सीनियर मोस्ट भी हो सकते हैं या फिर जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है उनके पार्टी के भी हो सकते हैं, 5 इयर्स के लिए बनते हैं और ये रिजाइन भी कर सकते हैं इल हेल्थ के कारण या अदर ग्राउंड्स भी होते हैं, और उसके बाद डेप्टी स्पीकर उनकी जगह ले सकते हैं। पूरे बात को दिया गया है। फिर डेप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है कि यह ऑफिस ऑफ द डेप्टी स्पीकर स्पीकर के बाद का होता है और यह स्पीकर के एब्सेंस में सभी काम को करता है। वह इलेक्टेड या रिमूव्ड ऑफिस से हो सकता है, जिस तरह से आपको स्पीकर के लोग हटाने का प्रोसीजर है, फंक्शन ऑफ स्पीकर दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिनरी मिसलेनियस होते हैं। अब पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने का पावर है, फिनेंशियल पावर है, मनी बिल से संबंधित है, जुडिशियल पावर है किसी भी मेंबर के सिचुएशन को लेकर कि उसका कैंडिडेचर सही है नहीं है, सारी बातें डिस्कशन होती है। तो 6 तरह के पावर दिए गए हैं। अब हम लोग हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में आपको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को लेकर 3 बातें याद रखनी है। इमीडिएट कॉज, कार्ट्रिजेस यूज्ड इन एनफील्ड राइफल वर सेड टू बी ग्रीज्ड विथ द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। तो ये बहुत बड़ा कारण था इसका। फर्स्ट इंडियन सिपाही चार्ज विद द किलिंग ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिसियल अप्रैल 1857 का था। May 10th, 1857 इंडियन सिपाही एट मेरठ मार्च टू दिल्ली रिवोल्ट था। पॉलिटिकल काउज भी यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेंगे। सोशल एंड रिलीजियस काउज भी बताए गए हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री काउज भी दिए गए हैं। ये आपको थोड़े थोड़े आ सकते हैं, लेकिन इमीडिएट काउज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख ही देख लेंगे। फिर रिजल्ट क्या हुआ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, कंपनी रूल खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भारत के कमान को संभाल लिया और यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ। इंड ऑफ मुगल एंड पेशवा, हर तरह के जितने भी चेंज इन रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट, जितने भी स्टेट फ्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनका रिलेशन बन गया, पॉलिसी डिविजन हो गया। ड्रॉबैक या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या था, कमी क्या थी, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन कॉज नहीं था, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं था। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब थर्ड चार्ट दिख रहे हैं, यह है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जो भारत में नेशनलिज्म यानी कि फीलिंग ऑफ कॉमननेस, कॉमन बिलोंगिंग्स ऑफ ए कंट्री, ये आया था। फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, पहला था इकोनॉमिक एक्सप्लोजन, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखा था
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को लेकर काफी कुछ कहा था, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी भी बताई गई थी, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी बताया गया था, यहाँ पर रोल ऑफ द प्रेस एंड मीडिया को भी हाईलाइट किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह यहाँ पर आप याद रखने की जरूरत है। 1884 से 1885 में इनिशिएट किया था ए ओ ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेविमन ह्यूम, कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंडियन लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स थे, और फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में था, और ये प्रेसिडेंटशिप थे डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसी के बाद सेशन के बाद दादा भाई नौरोजी का नाम आया था, जो कि द यूनियन वाज चार्ज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 28, 1885 को। यहाँ पर एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का था कि प्रमोट फ्रेंडशिप अमॉन्ग हिज पीपुल एंड द नेशनल पॉलिटिक्स होगा, फिर दूसरा था फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड था, थर्ड है डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन, कैसे लोग को जोड़ के रखेंगे, तो यह टेबल खत्म होता है। यह है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1907 काफी रिवोल्यूशनरी ईयर रहा है, तब तक महात्मा गांधी चले आए थे इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर में, सॉरी महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेटर के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंसेज हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव क्या थे अर्ली नेशनलिज्म के नेशनलिस्ट के, तो ये डिमांड करते थे कि इंडियन काउंसिल एक्ट को एबॉलिश कर दिया जाए, सेल्फ गवर्नेंस का रूल दे दिया जाए, यानी कि स्वराज के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एबॉलिशन ऑफ टैक्सेज, डिमांड ऑफ रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, आईसीएस जो कि सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, इनमें इंडियन को भाग लेने के लिए कुछ रियायत वगैरह दी जाए, डिमांड था। अब मेथड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, ये थ्री पीज पर विश्वास करते थे, प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट यहाँ पर आपको लिखा गया है, फिर कंट्रीब्यूशन एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट दादा भाई नौरोजी ने जिस तरह से फाउंड किया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर प्रोफाउंडेड द ड्रेन ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये भी आपके पास सामने बात आ रही है, फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने जिस तरह से ये कंट्रीब्यूशन दिया है इसको आप ध्यान में रख लेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने वाले पहले इंडियन थे, अचीवमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनलिस्ट के अचीवमेंट को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग फोर्थ फेज, फोर्थ नंबर चार्ट की ओर, फोर्थ नंबर चार्ट है सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का, यहाँ पर असर्टिव नेशनलिस्ट जो रेडिकल थे वे काफी आगे आए हैं, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट की बात की गई है, क्लॉज एंड द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, फेल्योर एंड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट था, इसी के कारण रेडिकल सामने आए थे, फेमाइन और प्लेग था, फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, ये सारे थे, इनके अचीवमेंट भी काफी रहे अर्ली नेशनलिस्ट के, ब्रिटिश लोगों को काफी उन्होंने अपनी ओर खींचा है लेकिन कंप्लीटली उन्होंने नहीं खींचा था। कंट्रीब्यूशन एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, तीनों को जाना गया है बाल लाल एंड पाल के नाम से, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता था, बिपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट कहा जाता था इंडिया में, वही बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म को कहा जाता था, होम रूल लीग इन्होंने 1916 में एस्टैब्लिश किया था बाल गंगाधर तिलक, और उनमें एनी बेसेंट का काफी योगदान था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट और आई शैल हैव इट, जिस तरह का है पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 का है, लॉर्ड कर्जन अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल इंटू टू पार्ट July 20, 1905, अर्ली बंगाल एंड असम था, द रेस्ट बंगाल था, इंपैक्ट ऑफ, अब इसके कारण जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का रीजन बताया गया कि बिकेम द नेशनलिस्ट मूवमेंट, क्यों क्या चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और फिर यहाँ पर वास्टनेस ऑफ बंगाल, फिर टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम, और फिर डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश राज, ये सारे थे इंपैक्ट ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इसके कारण नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, स्वदेशी एंड बॉयकॉट का नारा चलने लगा, पीपुल गैदर्ड होने लगे एंड फेयर प्ले जस्टिस की मांग करने लगे, और यही कारण था कि लॉर्ड कर्जन जो कि इसको एडेड टू द फ्यूल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ढाका में जून 1906 में, बंगाल के जो तत्कालीन नवाब थे
वो समीउल्लाह उन्होंने मुस्लिम लीग को फाउंडेड किया था, लॉर्ड मिंटो उस समय काफी उनकी हेल्प किए थे, अलीगढ़ पॉलिसी थी, ये सारे इवेंट हुए थे, धीरे धीरे लॉस ऑफ सॉवरेनिटी था मुस्लिम रूलर्स का। फिर सर सैयद अहमद खान जो कि आपके पास एंग्लो मोहम्मदन स्कूल का स्थापना किए, अब हम लोग जामिया मिलिया के नाम से जानते हैं अभी के समय में, वे थे। और बहुत सारे यहाँ पर है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग, 5 एम बताए गए हैं, आप ध्यान से देख लेंगे। फिर है चैप्टर 5, महात्मा गांधी एंड पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी के आने के बाद उन्होंने दो मूवमेंट चलाए थे, पहला था नन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कारण था, कोऑपरेशन मूवमेंट रॉलेट एक्ट है और 1905 में जलियांवाला बाग मसाकरे खिलाफत मूवमेंट है। फिर ये प्रोग्राम चलते रहे थे, फिर प्रोग्राम सस्पेंड भी हो गया था, चौरी चौरा जो मर्डर हो गया था, मास मर्डर हुआ था, बायकॉट इस दौरान कॉलेज स्कूल का हुआ था। फिर यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे उन्होंने 1913 में चलाया है, लेकिन नन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी। याद रखना है, ऐसे पॉइंट आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट, लोगों की साझेदारी बढ़ने लगी थी। शैटर्ड द मिथ दैट ब्रिटिश रूल वाज फॉर बेटरमेंट ऑफ द इंडियन, इंडियन के लिए बेटर है, ब्रिटिश रूल को क्लेम नहीं किया जा सकता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर कॉज था साइमन कमीशन 1927-1928, भारत पर कानून बनाने के लिए आया था जो प्रत्येक 10 साल में बनता है, और कोई इंडियन नहीं था साइमन कमीशन में। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट 1928 और लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 प्रेसाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरी बातों को आप दोबारा सुनिएगा। अब प्रोग्राम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट विथ हिस्टोरिक गांधी मार्क, वेक साल्ट लॉ, पिकेटिंग द लीकर शॉप, जितने भी शराब के दुकान थे उन सबको तोड़ फोड़ दिया गया, उनके विरुद्ध प्रदर्शन किया गया, रिफ्यूजल ऑफ पेइंग टैक्सेस। अब आपके पास है इवेंट लीडिंग टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, 1935 से 1943 के बीच में तीन बड़े इवेंट हुए थे। इवेंट जो पहला था रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री 1939, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश शामिल हो गया था और इंडिया को भी शामिल कर दिया था। जिन्ना टू नेशन थ्योरी के कारण भी अगस्त ऑफर 1940 था, इंडिविजुअल सत्याग्रह महात्मा गांधी करने लगे थे, क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया के डिवीजन या इंडिया को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए आया था। ऑलवेज रिमेंबर, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1942 टू ग्रांट इंडिया एज डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही इनको आजादी दी गई। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, फिर जापानीज थ्रेट, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था और जापानीज लोग भारत के कई आइलैंड को, जैसे कि हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड को जीत लिए थे, तो यह भी बहुत बड़ा थ्रेट था। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमिटी अडॉप्टेड एट वर्ल्ड बैंक जुलाई 1942 क्विट इंडिया। ऑल इंडियन ने जो कांग्रेस कमिटी रेक्टिफाइड ऑन अगस्त 8, 1942 एट बॉम्बे, डिप्रेशन मेजर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेना शुरू किया था। फिर यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, पूरे किताब में आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप सुभाष चंद्र बोस और आईएनए को याद न करें, बहुत गलती होगी। सुभाष चंद्र बोस January 23, 1897 को कटक उड़ीसा में जन्म लिए थे, वे इंग्लैंड में गए, पास किए और इंडियन सिविल सर्विस को भी ज्वाइन किए थे। पास करने के बाद ही अननिमसली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एट हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस 1938 और रीइलेक्टेड इन त्रिपुरा कांग्रेस 1939 अगेंस्ट पट्टाभी सीतारमैया, सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के सुभाष चंद्र बोस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट गांधीयन एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी। उनका ऑब्जेक्टिव फॉरवर्ड ब्लॉक का था लिबरेशन ऑफ इंडिया विद सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स, एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, टू एबोलिश सोशल स्टेट, ये सारे है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनए। अब न्यू मॉनेटरी क्रेडिट भी था फॉरवर्ड ब्लॉक का, ये उद्देश्य आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी वाज कंसीव्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह एंड इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी, और सिंगापुर में उधर ईस्ट एशिया में उन्होंने अपना इस्टैब्लिश किया था। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्म्ड स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, एस्टैब्लिश प्रोविजनल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया एंड दोज पार्ट वोन बाय आईएनए इन इंडिया और अराउंड द इंडिया। थ्री गाइडलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ आईएनए वर यूनाइट फेथ एंड जस्टिस। ऑलवेज रिमेंबर, थ्री गाइडलाइंस और गाइडिंग प्रिंसिपल्स।
फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस हम लोग याद कर रखते हैं कि लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, कमांडर सुप्रीम ऑफ आईएनए, वो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटिश एंड द यूएसए, एक्वायर्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद द हेल्प ऑफ जापानीज, आईएनए सक्सीड इन कैप्चरिंग उकहरल कोहिमा इन आसाम हिल्स ऑफ द फ्रॉम द ब्रिटिश फोर्स, आईएनए सेट इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन। अब लास्ट है कि चैप्टर नंबर 8 टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत बता 1944-1947 माउंटबेटन प्लान कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्ट किए। देख लीजिएगा इंडिया के डिवीजन को लेकर है कि ये डिवीजन हुआ था, नेटिव स्टेट को दो पार्ट में बांट दिया गया था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिए गए थे, प्रोविंस ऑफ बंगाल पंजाब एंड आसाम वर डिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में, इंडिया वाज गिवन द ऑप्शन टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ और नॉट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ पर इंडिया को कहा गया कि 1 जुलाई 1947 के ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ कि इंडिया आजाद है। एक्ट कहता है ब्रिटिश रूल इंडिया में अंत हो गया, डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अगस्त 15, 1947। तो इतने बड़े पार्ट को मैंने बताया, समझाया, आपके साथ शेयर किया, तो एक थम्स अप बनता है इस वीडियो को, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय फॉर नाउ।